अगर आप छठ दीपावली के मौके पर बिहार जाना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। भीड़भाड़ टिकट की परेशानियों से इस बार आपको दो चार नहीं होना पड़ेगा। घर कैसे जाएंगे, छठ के मौके पर ट्रेन की टिकट कैसे मिलेगी, अब ये बीते दिनों की बात थी। अब आपके लिए खासकर आप अगर पूर्वांचल और बिहार के बाकी हिस्सों में जाना चाहते हैं तो इन त्योहारों के मौसम में भारतीय रेलवे ने आपके लिए खास इंतजाम किए हैं। दीपावली छठ पर घर की राह आसान बनाने के लिए इंडियन रेलवे ने 56 स्पेशल ट्रेनों को चलाने का फैसला किया है। यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने 6 जोड़ी स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। एक जोड़ी गोरखपुर से नई दिल्ली के बीच चलाई जाएगी। 5 जोड़ी ट्रेनें गोरखपुर के रास्ते चलेंगी। गोरखपुर से नई दिल्ली के बीच चलने वाली ट्रेनों में सिर्फ साधारण श्रेणी के कोच लगाए जाएंगे ताकि किसी यात्री को समस्या ना हो। इसके पहले से ही यात्रियों की सुविधा के लिए 22 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं। चलिए अब आपको इन ट्रेनों के विषय में बताते हैं जिनके कारण आपकी राह आसान होने वाली है। 04019 नंबर की स्पेशल गोरखपुर से 26 अक्टूबर को शाम 4 बजे रवाना होगी। बस्ती से 5:25 पर छूटकर सीतापुर कैंट मुरादाबाद के रास्ते दूसरे दिन दोपहर 11 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी। 04020 नंबर की स्पेशल नई दिल्ली से 26 अक्टूबर को रात 8:15 पर रवाना होगी। मुरादाबाद सीतापुर कैंट गोंडा और बस्ती के रास्ते दूसरे दिन दोपहर 2 बजे गोरखपुर पहुंचेगी। 82416 नंबर की स्पेशल आनंद विहार से 31 अक्टूबर को रात 11:45 पर रवाना होगी। सीतापुर के रास्ते दूसरे दिन दोपहर 2:30 गोरखपुर से छूटकर देवरिया होते हुए तीसरे दिन यह ट्रेन 5 बजे बिहार के जोगबनी में पहुंचेगी। 04093 नंबर की स्पेशल जोगबनी से 2 नवंबर को सुबह 9 बजे रवाना होगी। देवरिया से रात 9 बजे तथा गोरखपुर से 11:20 पर छूटकर बस्ती गोंडा सीतापुर के रास्ते दूसरे दिन शाम 4:05 पर आनंद विहार पहुंचेगी। 04062 नंबर की स्पेशल नई दिल्ली से 25 तथा 29 अक्टूबर को सुबह 10:55 पर रवाना होगी। कानपुर होकर गोरखपुर से रात 1:15 पर छूटकर 10:30 यह ट्रेन दरभंगा पहुंचेगी। 04061 नंबर की स्पेशल दरभंगा से 26 तथा 30 अक्टूबर को 12 बजे रवाना होगी। यह ट्रेन गोरखपुर से रात 9:35 तथा बस्ती से 10:40 पर छूटकर कानपुर होते हुए दूसरे दिन 1:10 दोपहर में नई दिल्ली पहुंचेगी। 82406 नंबर की स्पेशल नई दिल्ली से 24 तथा 27 अक्टूबर तथा 1 नवंबर को सुबह 10:55 पर रवाना होगी। कानपुर होते हुए यह ट्रेन रात 12:55 पर गोरखपुर पहुंचेगी। यहां से रवाना होकर यह ट्रेन दूसरे दिन 11:30 दिन में बिहार के सहरसा में पहुंचेगी। 04031 नंबर के स्पेशल सहरसा से 25 तथा 28 अक्टूबर तथा 2 नवंबर को शाम 6 बजे रवाना होकर दूसरे दिन सुबह 5 बजे गोरखपुर पहुंचेगी। बस्ती से 6:42 से चलकर यह ट्रेन रात के 7:50 पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। 04086 नंबर की स्पेशल आनंद विहार से 21, 24 तथा 27 अक्टूबर को रात 7:25 पर रवाना होगी। मुरादाबाद लखनऊ के रास्ते दूसरे दिन यह ट्रेन गोरखपुर से सुबह 9:40 पर छूटेगी और रात 8 बजे बिहार के सहरसा में पहुंचेगी। 04085 नंबर के स्पेशल सहरसा से 22, 25 और 28 अक्टूबर के साथ 1 नवंबर को रात 10:15 पर रवाना होगी। गोरखपुर से सुबह 7:20 तथा बस्ती से 8:28 पर छूटकर यह ट्रेन लखनऊ मुरादाबाद होते हुए रात 10:10 पर आनंद विहार पहुंचेगी। 04058 नंबर के स्पेशल नई दिल्ली से 23, 28 तथा 31 अक्टूबर को रात 12:20 पर रवाना होगी। मुरादाबाद लखनऊ होकर गोरखपुर से दिन में 3 बजे छूटेगी और यह ट्रेन नरकटियागंज होते हुए रात 11:55 पर दरभंगा में पहुंचेगी। 04057 नंबर के स्पेशल दरभंगा से 24, 29 अक्टूबर तथा 1 नवंबर को रात में 2:30 चलेगी। गोरखपुर से दिन में 11:20 तथा बस्ती से दिन के 12:24 पर छूटकर यह ट्रेन लखनऊ मुरादाबाद होते हुए रात 12:30 नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचेगी।
तो त्योहारों को लेकर रेलवे ने कुछ ऐसे इंतजाम किए हैं कि आपके रास्ते अब आसान होने वाले हैं। टिकट खिड़कियों की भीड़ से आपको निजात मिलने वाली है।